इमामी की बात से कंटिन्यू करते हैं, आप स्ट्राइक रेट के बारे में कुछ बता रहे थे दोबारा से। मैं यही कह रहा था कि सिंस द स्टार्ट ऑफ 2018 कलेक्टिव दुनिया के ओपनर्स की एवरेज इन पांच वनडे टीम्स के अगेंस्ट, छह पाकिस्तान को मिला के छह वनडे टीम्स के अगेंस्ट 89 है। कि मतलब पूरी दुनिया के सारे ओपनर्स ने, वो बेशक स्कॉटलैंड का, आयरलैंड का है, अगर उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है, तो सबकी मिला के स्ट्राइक रेट है 89। इन्हीं टीमों के अगेंस्ट इमाम का स्ट्राइक रेट है 74, फखर जमान का स्ट्राइक रेट है 84। आई एम जस्ट पुटिंग द नंबर्स आउट देयर, क्यों? क्योंकि, और ये भी बड़े बेसिक से नंबर हैं, क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ क्रिकविज यार। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस ऑल दिस क्रिकेट इंटेलिजेंस, क्यों? क्योंकि यार इमेजिन दिस थिंग के 2027 के वर्ल्ड कप के बाद जब शायद हाइपोथेटिकली स्पीकिंग विराट कोहली रिटायर हो रहा होगा, तो उसने जिंदगी में आज तक जो भी इंटरनेशनली रन बनाया, बॉल खेली है, मिस हुई है, सांस भी ली है, वो रिकॉर्डेड है और एनालाइज है कि फ्यूचर विराट कोहली कैसे बन सकते हैं, कि फ्यूचर में अगर 50% मॉडल भी आ गए तो क्रिकेट इज सेफ। तो उसी बात पे आ रहे हैं कि वी हैव ऑल एडमायर्ड द ग्रेट ऑफ इमामुल हक, वी हैव ऑल एडमायर्ड द ग्रेट, और उसका गुस्सा, उसकी सारा वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि कहने की बात यह है कि क्रिकेट 20 करोड़ लोग हैं और ऐसा हमेशा चलता रहेगा, ऐसा हमेशा चलता रहेगा। और एक तो ओपनिंग बहुत वल्नरेबल सी पोजीशन है, पाकिस्तान में चंद ही ओपनर रहे, तो तुम्हारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा होगा ओवरटर्न करने के, बट दैट्स द कॉस्ट यू पे टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ठीक है जी? क्यों? क्योंकि बहुत सारे वो लोग होते हैं जो इसलिए भी तनकीद कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारे इससे बेहतर मैं हूँ, मैं, मुझे अगर इतना छतर छाया मिलती तो मैं ज्यादा रन करता था, तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 सेंचुरियां मैं भी कर देता। ग्रेट, ही हैज शोन ग्रेट, अ लॉट ऑफ ग्रेट, ठीक है, और वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आई एम हैप्पी टू हीट द अम्बल पाए, अगर ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहे। ग्रेट बिल्कुल नजर आई, लेकिन हमने ये फैक्टर्स की बात की ना, क्योंकि आपको हर नए दिन एक अलग अपोनेंट मिलेगा वर्ल्ड कप में। और लेकिन वो चीज मैं आज सोच रहा था हमारे लिए भी काम कर सकती है, क्योंकि हमारी टीम ऐसी है कि एक दफा अगर किसी टीम को हमने हरा दिया ना, तो फिर हम अगर दोबारा उन्हीं से मैच खेलना होता है तो हम सोचते हैं यार दोबारा इसको किस तरह आउट करेंगे, और दूसरी टीम हमें वर्क कर लेती है, ये बैट्समैन ये बॉलर इस तरह, तो हम ऐसे टू मच फैमिलियरिटी। तो एक एक दफा सबसे खेल तो हमारी टीम, मतलब हमें वर्ल्ड कप में हम हमेशा कदरें बेहतर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है एक एक दफा सबसे खेलना है, एक दफा भाई ने हरा दिया उसके बाद तो हम निकल गए, ये कुछ भी करते रहे। सरोज मैं तुम्हें बताऊं, इन माय ओपिनियन, और सबको ये चीजें ये पता है, सब चीजें आउट इन द पब्लिक हैं, कि पाकिस्तान के पास इनफैक्ट बेस्ट प्लेस प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी टू 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 व्हाट यू कॉल इट, व्हाट शुड बी द टू प्रिपेयर देमसेल्फ क्यों यार? इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 वनडे आपको मिल गए और इंग्लैंड इतना रेड हॉट चल रहा है, खासतौर से अपने मुल्क में। देखो इंडिया में एक वनडे सीरीज खेली टीम की, इंडिया जीता, इंग्लैंड में खेली इंग्लैंड जीता, कि कितने इवन नॉट नील पे हैं इंग्लैंड और इंडिया, और माइकल वॉर्न और संजय मंजरेकर ना माइकल वॉर्न तो मतलब ही इज ऑब्सेस्ड विद इंग्लैंड। माइकल यार देखो वो बात वहां से शुरू करते हैं, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि जब प्लेयर्स थे तो दुनिया ही अलग थी क्रिकेट की। इंडिया वर एक्सपेक्टेड टू लूज इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, ठीक है, इवन इन न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड दीस टीम्स वर एक्सपेक्टेड टू फाइंड इट हार्ड अगेंस्ट इंडियन एम्पायर एंड इंडियन फूड। अभी न्यूजीलैंड जो ये न्यूजीलैंड में सीरीज जीते हैं, मेरे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कितने साल के बाद पहली दफा जीते हैं या कितने सालों के बाद पहली दफा ये वनडे सीरीज जीते हैं। लेकिन मैं संजय मंजरेकर की इस बात से एग्री करता हूं कि ये इंडियन वनडे टीम व्हेन ऑन इट्स कंप्लीट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग बुमराह, इंक्लूडिंग कोहली, तो ये अब आपको वनडे में फियर देती है। बिल्कुल वनडे में फियर देती है। ये बात लास्ट शो में भी बात की थी, मतलब टेस्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वनडे की बात हो रही है। इंडिया वालों के इतना बैकअप टैलेंट है, वो रेस्ट, मतलब जो आसान मैचेस होते हैं कोहली तो खेलता ही नहीं है, बोलता है यार किसी और को, जैसे अभी 3-0 हो गया, कोहली ने कहा भाई मैं जा रहा हूं हनीमून कर लूं थोड़ा। एग्जैक्टली यही वो आसान मैच छोड़ता है, बड़े मैच खेल के बड़े रन करता है। अभी ऑस्ट्रेलिया, हम लोग ट्विटर पे भी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज की बात करेंगे, जो टेस्ट सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, जो टेस्ट सीरीज हुई है जो इंडिया ने जीता है, कितने पहली दफ़ा सीरीज जीते हैं वो लोग, बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है, कोहली के अंडर जीते हैं, कोहली ने भी रन किए, पुजारा ने भी रन किए, मतलब आप ये देखो कि उसने वो पूरा टूर खेला, न्यूजीलैंड आए, न्यूजीलैंड में 3 मैच खेले,
उसने बोला यार मैं नहीं खेल रहा, उससे पहले इंडिया में किसी टीम से मैच था उसने वो भी छोड़ दिया, मतलब वो रेगुलरली आसान मैचेस छोड़ता है और बुमराह हो वो, मतलब उनको पता है यार ये हमारे मेन प्लेयर्स हैं, उन मेन प्लेयर्स को भी पता है भाई जब मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 कर रहा हूँ तो मैं क्यों किसी बी टीम के खिलाफ रन करूँ, मैं आराम कर लेता हूँ, मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाके फिर 100 कर लूँ, क्योंकि एग्जैक्टली दे हैव दैट। हमारी टीम अभी हालांकि हम T20 में नंबर वन है, उस दिन कोई मुझे बोल रहा था कि यार हम लोग क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करते, साउथ अफ्रीका ने तो पूरी बॉलिंग लाइनअप ही अपनी चेंज कर दी T20 के लिए, हम वही खिला रहे हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने पूरी बॉलिंग खिलाई तो भी 190 पड़ गए हमें, तो हमारे तो बॉलर डे बाय डे चलते ना, हमारे बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है। वही बात आ गई थी ना, हमें अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सरफराज की कैप्टेंसी, वेन समथिंग इज नॉट देयर यू रियलाइज के हाउ क्रूशियल इट वॉज, के बिकॉज इट वॉज वर्किंग, विच एवर वे इट वॉज वर्किंग डोंट फिक्स इट इफ इट्स नॉट ब्रोकन ना। तो सिर्फ ये पाकिस्तानी जो टीम है क्यों, क्योंकि यंग बॉयज हैं, ठीक है, वो अ हर्ड ऑफ शीप्स ना, दे स्कैटर अराउंड इन नो टाइम, ठीक है वो एक न्यूट्रल बंदे को नजर आएगा कि एक अ गाय नीडलेसली शाउटिंग और नीडलेसली स्क्रीमिंग और गाइडिंग रियल इन रियल टाइम विकेट के पीछे से, लेकिन ये नहीं लगता कि वो एक इंटेंसिटी को बनाए रखता है। हाँ। इंटेंसिटी को बनाए रखता है क्यों, क्योंकि सिचुएशंस है ना, टेस्ट की बात नहीं कर रहे, वाइट बॉल से बात कर रहे हैं कि वो सिचुएशंस है, वन डे में वो 5 ओवर का एक स्पेल है, ठीक है, T20 में एक ओवर है, T20 में एक ओवर डायमेट्रिकली चेंज कर देता है, जैसे किया सेकंड T20 में आखिरी ओवर 6-9 रन्स आर एक्सपेक्टेड एवरी ओवर, ठीक है ना, और उसमें अगर एक दो विकेटों के साथ दो रन आ जाए गोल्डन, ठीक है जी। और फ्रैंकली स्पीकिंग साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया T20 के साथ कब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दे हैवंट क्रैक्ड द कोड एज येट। साउथ अफ्रीका जाके श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज एक एक मैच की नहीं तीन तीन मैचों की सीरीज जीत चुकी है, तो वही बात आ जाती है ना कि दीज सीरीज वर देयर फॉर पाकिस्तान फॉर द टेकिंग टू पुट इट दैट वे। लेकिन सरफराज ठीक है, वो सबको पता है क्या हुआ सिलसिला, लेकिन यही बात है ना कि इट हैज रीएस्टैब्लिश्ड द वैल्यू ऑफ सरफराज और 2015 के वर्ल्ड कप में। और अब मैंने बात की ना कि इंग्लैंड में हमें मिल रहा है, उससे पहले हमें PSL में इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि पूरा पाकिस्तान मिलके देखे कि कौन से 15 जो हैं, हमें ठीक है 8-9-10 तो सबको उंगलियों में पता है, 12-13 भी आप हाँ, दो तीन में ही एग्जैक्टली कि उन 12-13 को भी आपने क्यों, क्योंकि इंसान है ना, वो रोबोटिक्स तो नहीं है कि यू जस्ट चेंज द डिस्क एंड दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, वो दे हैव, सबसे बदकिस्मती होती है 2-3 की प्लेयर्स का एन इवेंट से पहले फॉर्म लूज कर जाना, वो फिर पूरी रात प्रैक्टिस करते रहो। हमारे पास एक ये है कि यार जो 5 वनडे हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं उसमें या तो कोई प्लेयर फॉर्म लूज भी कर सकता है, इमेजिन करो कि आ भी सकता है, शेल शॉक कर दे कि वर्स कम टू वर्स वर्ल्ड कप से पहले नया कैप्टन। अब बात ये खाली बात कप्तानी की नहीं रही ना, 5th वनडे में हमने देखा रिजवान की बारी आई, रिजवान किस तरह खेल रहा था, मैं पर्सनली उसे यू नेवर नो वहाब या इरफान में से कोई एक वापस आ जाए, क्यों, वी आर स्टिल पेस ऑब्सेस्ड, और मैं विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हो यार सही है सरफराज शाउट करता है उससे हो नहीं रहा जो भी एक्स वाई जेड है, लेकिन अभी जैसे 5वां वनडे हमने देखा जो डिसाइडर वनडे था, रिजवान खेला, रिजवान की बैटिंग आई, मतलब उसका 2016 वाला जो वर्जन था स्पिन के खिलाफ और जो अभी वाला वर्जन था उसमें कोई फर्क नहीं था, 30 बॉलें खेली 10 रन उसने बनाए, एक उसमें चौका शामिल था, लेकिन ट्विटर पे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगले ओवर में आगे बढ़ के मारेगा और आउट हो जाएगा, मतलब लिटरली मैं नाम लूंगा, आदिल ने मुझे मैसेज किया, 2 बार मैंने उसका मैसेज इग्नोर किया, तीसरी दफा उसने मुझे फिर मैसेज किया कि ये आगे बढ़ के मारेगा और ये आउट हो जाएगा, रिजवान तू बोलता रहे जो बोल रहा है, द रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, हाँ, और उसी उस ओवर में उसने आगे बढ़ के मारा और आउट हो गया और उसका मुझे मैसेज आया देख इसके ऊपर बात करियो, मतलब ऐसे, मतलब इतना प्रेडिक्टेबल वो था वही उसकी, तो आपके पास तो कीपर भी नहीं है ना अभी, मतलब आप तो खाली कीपर नहीं चाहिए ना कि यार उसने डाइव मार के 4 रन बचा लिए तो कीपर से काम, T20 में भी 8वें नंबर पे बैटिंग पे आ रहा है क्योंकि लिटरली लग रहा है कि मिकी को पता है कि यार इससे रन नहीं होने या इससे परफॉर्म नहीं होगा, तो बेसिक कहने का मकसद ये है कि अभी अगर आप सरफराज को कप्तानी से हटाते भी हो तो टीम में तो वही खेलेगा क्योंकि बैट्समैन तो वो है, वो और बात है कि वो अपने आप को छुपा रहा है कुछ भी कर रहा है, कोई और कप्तान होगा तो वो तो उसके ऊपर भेजेगा फिर उसे करना है,
और जब जब वो ऊपर आया है, खुद कप्तान हो या कोई और कप्तान हो, उसने परफॉर्म तो किया है। वो और बात है कि यार वो कप्तान होता है तो छुपता है कि यार बैट्समैनों को करा दो, बल्ली ना आए, पहले ही प्रेशर है, कप्तान जो भी एक्स वाई जेड उसकी एक्सक्यूजेज है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि यार सरफराज को हटा के दूसरा कीपर है, तो मुझे नहीं लगता कि है, ना टेस्ट में है ना उसमें। सही है, आप मौका दे सकते हो रिजवान को, मौका दे सकते हो, लेकिन एक सीरीज के बाद वापस घूम के फिर सरफराज नहीं आ जाना है। वही वो बात वही आ जाती है ना कि ठीक है, इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, हम लोग जी सकते थे, नहीं जीते, इट्स हिस्ट्री नाउ। हमारे पास PSL, इट्स अ प्रीमियम अपॉर्चुनिटी। सरफराज, कोटा ग्लैडिएटर्स, मैं माय पर्सनली फेवरेट टीम, लेकिन सिलसिला ये है कि चार नंबर पे अगर सरफराज आता है, ठीक है ना, और ही हैज ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ऑल द मैचेस इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग हिमसेल्फ बैक टू द फॉर्म। वो जो बॉलर की हाथ से बॉल को सेंस करके चार्ज डाउन द विकेट और काउ कॉर्नर पे चौका मार देना ना, द क्लासिक सरफराज। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सरफराज जो है ना आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। अगर आप उसकी पिछली इनिंग्स देखो तो जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ बोल्ट ने हैट्रिक की, उस मैच में भी 70 रन सरफराज ने किए, सही है। उसके बाद उससे पहले अगर आप जाओ इंडिया के खिलाफ, जब हमने एशिया कप में खेला 44 रन, उसमें भी सरफराज ने किए थे, चार नंबर पर बैटिंग की थी। अभी भी अगर आप मतलब जो 41 रन सरफराज ने किए वनडे में, आखिरी वनडे जो वो खेला है जिसमें उसने बैन हुआ उसके बाद, वो भी 41 रन किए, उसमें भी आउट ऑफ फॉर्म वो नहीं लग रहा। स्पार्क्स हैं, स्पार्क्स हैं, वो सिर्फ ये लग रहा है कि वो अपने आप को छुपा रहा है। सिलसिला यही है ना कि अब पाकिस्तान वनडे में वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है जो कि इंग्लैंड ने अडॉप्ट की हुई है सिंस 2015 वर्ल्ड कप के। 11 बैटर थ्योरी ना, 11 बैटर थ्योरी जो है ना, तो उसमें एट टाइम सिचुएशन ये है कि 8 ओवर बाकी हैं, 15 ओवर बाकी हैं, शुरू में 125 बॉलों पे इमाम ने सेंचुरी कर दी है, तो अब हम किसको भेजेंगे? तो आप भेजेंगे ना हिटर को, भेजेंगे ना, तो बात वहां आ जाती है कि अक्रॉस द इनिंग अगर इनिंग पेस हो रही है ना प्रॉपरली, और तो सरफराज क्योंकि नंबर भी तो डाइसी आ गया ना कि देखे, अब हम मलिक पर अगर बात करेंगे कि हाउ ही गेट्स अवे विद ओकेजनल इनिंग्स अगेंस्ट टॉप अपोनेंट्स, तो वही बात आ जाती है कि इसको कोई और है नहीं। और मलिक साहब ने कह दिया है कि 2015 के वर्ल्ड कप तक ही इज देयर, तो मतलब 2019 के बाद वो रिटायर हो जाए। और गुड थिंग फॉर मलिक वुड बी कि ये वो 92 का इंग्लैंड नहीं है कि जब पहले 10 ओवरों में रमीज ने 27 बॉलों पे 5 रन बना दिए तो इट्स गुड, या रज़ाक ने 99 का इंग्लैंड नहीं है क्योंकि वो मई के मैचेस थे। अब मैचेस जून, मई के एंड जून से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी अगर मई में भी हो तो ड्राई पिच मिलनी है। और पाकिस्तान को ये पिचेस मिलेंगी जो इन्होंने मैचेस खेलने अगेंस्ट इंग्लैंड बायलैटरल जो खेलने, और क्योंकि जून के मैचेस हैं पाकिस्तान के सारे ना, और हाँ, और आई थिंक हमारा 8 मई को पहला वनडे है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो 5 मैच की, और पाकिस्तान ने नॉटिंगम में वर्ल्ड कप का मैच इंग्लैंड के साथ नॉटिंगम में, और पहले एक 5 वनडे में से भी एक मैच नॉटिंगम में, तो मतलब इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉमी। और अब जो है, अब हमारी अब जो वर्ल्ड कप की जो भी इंटरनेट मतलब वर्ल्ड इवेंट की पिचेस होती हैं वो ICC मॉनिटर करता है, तो ये भी नहीं है कि आपको ग्रास मिले कुछ मिले, आपको पिचेस आयरलैंड में 2007 का आयरलैंड कर दो, ड्राई मिलनी है पिच के, कोई सेंट पैट्रिक्स से नहीं हो रहा। आप सेंट पैटर्न खिलाओ, आप बताओ इमाद को, आप बताओ शादाब को कि भाई आप दोनों खेलोगे, आप दोनों को मिडिल ओवर में हमें मैच बनाकर देना है। शान मसूद किस PSL फ्रेंचाइज के साथ है? मुल्तान के साथ है, उस दफा वो खेलेगा और डेफिनेटली खेलेगा, ओपनिंग करेगा। ना इंसाफी हुई इस वनडे में उसको चांस नहीं मिला मेरे हिसाब से, चलो इमाम ने रन कर दी थी, फखर की जगह पे उसको खिलाना चाहिए। डेविल्स एडवोकेट ये प्ले करते हैं ना कि प्रिज्यूमिंग It might well, it is in a hypothetical के वो ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से रन करता, बेशक इमाम से 50-60 रन कम कर देता, लेकिन 200 रन 90 के स्ट्राइक रेट पे पाकिस्तान को ज़्यादा मदद करते। लेकिन खुशी की बात ये है कि वो ग्रिड जो वनडे में नज़र आई है, आई होप के दोज जब टेस्ट मैचेस आए तो वो ट्रांसफॉर्म करें जिस तरह से, क्योंकि यार देखो एक बात मैं बताऊँ, अगेंस्ट टॉप 6 टीम्स अहमद शहजाद की बैटिंग एवरेज उसकी कैरियर बैटिंग एवरेज से मार्जिनली ज़्यादा है। मैं कल रात कुछ नंबर्स देख रहा था, 33 की बैटिंग एवरेज है अहमद शहजाद की अगेंस्ट टॉप 5 नेशंस ना, जो कि सेना और इंडिया ना, तो और लेकिन अगेन वही बात, स्ट्राइक रेट 73,
तो लेकिन अहमद शहजाद के भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग एवरेज 39 की और एक सेंचुरी अहमद शहजाद के भी साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते हैं सेकंड मैच में। सो कहने की बात ये है कि इस वक्त इमाम अहमद शहजाद के लेवल तक तो पहुंच गया है, उससे ऊपर एक उमर अकमल का लेवल है, उससे ऊपर फिर आता है एक लेवल जो कि वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पास्ट 20 इयर्स। तो ये सिलसिला सही बात है। आप इमाम पे भी अब बात हो गई, अब थोड़ी सी बात करते हैं T20 के हवाले से, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है नंबर वन T20 टीम है। 2016 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ हम लोग सीरीज हारे। आपने आसिफ अली को खिलाया गया और सिक्स सीटर है वो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उमर अकमल उससे लाख गुना बेहतर है प्लेयर। अगर जो मैच हमारा था उमर अकमल अगर कल सेकंड T20 में उमर अकमल होता आसिफ की जगह पे, तो हमें फिर भी ज़्यादा चांस था। वो और बात है कि यार उमर अकमल का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, उमर अकमल का एटीट्यूड ठीक नहीं है, आसिफ अली का एटीट्यूड ठीक है तो उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि यार आपका मेन गोल होना चाहिए आपकी टीम की जीत। मिकी आर्थर का कुछ लेना देना नहीं है, हमें पता है ना हमारा खून जलता है, हम लोग हमें जो काम करने हैं पूरे पूरे दिन के काम छोड़ के मैच देखते हैं, मैच के बाद भी मूड नहीं हो रहा होता कुछ करने का जब इस तरह परफॉर्मेंस होती है। तो आपको क्या लगता है कि यार ये मिकी आर्थर को अब इंजमाम को वो करना चाहिए कि भाई जो तूने किया वो किया, अब तुझसे रिजल्ट नहीं आ रहे तो अब तू उमर अकमल को टीम में डाल, मतलब डालना पड़ेगा। क्योंकि एक बंदा जब आपको सबको पता है कि यार T20 में वो अच्छा या अच्छा बैट्समैन था जो हमारे पास है उनसे बेहतर है या और अच्छा हो सकता था, या सिर्फ उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उसको अगर आप मैनेज कर लो तो वो अच्छा हो सकता है, तो ये आप फोर्स, आपको क्या लगता है कि इनको फोर्स का इंजमाम को करना चाहिए कि यार बस हो गया भाई अब हमारी चलेगी जो मैं बोलूँगा वो चलेगा? यार इन माई ओपिनियन आसिफ अली को अक्रॉस द पाकिस्तान क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन आपने उसको टाइम ही नहीं दिया कि वो एटलीस्ट एक ओवर तो देते ना आप उसको, कि क्योंकि उसकी सारी बैटिंग तो तलत ने कर ली। इन माई ओपिनियन आपने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी वो उनकी T20 लीग खेल चुका है और उसने ही प्लेड कपल ऑफ नोटेबल इनिंग्स एज वेल, नंबर 3 का प्लेयर है हफीज ऑलरेडी अगर बाहर है, T20 20 ओवर है यार, नंबर 3 वनडे का नंबर 5 है, ठीक है ना। तो आपने तलत को भेज दिया जो कि बिल्कुल क्रीम इनिंग थी जहां पर उन्होंने अपने अटैक के वल्नरेबल बॉलर्स को ओवर अच्छा, उनके पूरे करवा दिए। मॉरिस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मॉरिस को जो लोग जानते हैं, मॉरिस इन माय ओपिनियन, या साउथ अफ्रीका इतनी नीचे आ गई है कि ऑलराउंडर ही नहीं है जेन्युइन, मॉरिस इज स्टिल देयर नंबर 1 ऑलराउंडर। 2016 में जब इंग्लैंड गई थी साउथ अफ्रीका, टेस्ट सीरीज जीती, लेकिन इसने उनके वो कहते हैं ना फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट एक दो वनडे और T20 जिसने अपनी बैटिंग या बॉलिंग की वजह से एंड में ले गया था। और एक ट्वीट मैंने की क्योंकि वो मुझे मैच अचानक से दिमाग में याद आया कि मॉरिस कैन स्टिल ब्रेक मिलियंस ऑफ हार्ट्स, और उस वक्त दो ही आउट हुए थे दूसरे इनिंग में। क्यों यार आसिफ को आप जितना तलत को आपने दिया ना कि चलो पहले एक दो ओवर ले लो, उसके बाद या तो वो आउट हो जाता या वो आपको 27 बॉलों पर 48 देता, वो 40 बॉलों पर 48 नहीं देता आपको। हाँ, क्योंकि ये 13-14 बॉल ही तो सारा डिफरेंस थी। ठीक है जी, उसने मैं उसे देख रहा था, मैंने क्या हुसैन तलत ने 10 ओवर के बाद जब हमें 10 ओवर में 90 रन चाहिए थे हमारे, मतलब 10 ओवर में 88 रन कुछ भी नहीं होता, आउट होने तक उसने 12 डॉट बोले थे, जिस बॉल पे आउट हुआ अगर वो भी काउंट कर लें वो 18वें ओवर में आउट हुआ है, 2 ओवर डॉट थे हुसैन तलत के अकेले के, मतलब 11 डॉट बॉलें खेली 12वीं बॉल पे वो आउट हो गया। एग्जैक्टली, मतलब आप ये देखो कितना बड़ा ये फर्क है। और जब वो बैटिंग करने मतलब जैसे ही फकर आउट हुआ है मैंने उसी टाइम ट्वीट किया कि यार अगर हुसैन तलत को भेज दिया तो मैच यहाँ खत्म हो गया, मलिक या आसिफ खुद आए तो आप मैच जीत, और वही हुआ, उसको आपने भेज दिया, उसके बाद एक ही शॉट है पीछे हट के यूं कवर पे मारना। इतने तो आपने 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 नंबर 9 पे हसन आ रहा है, ठीक है ना, और उसमें व्हाट्स द पॉइंट टू कंसोलिडेट द इनिंग अप देयर, क्योंकि आसिफ अगर नहीं भी फायर करता देन यू कैन सेंड समवन हु कैन कंसोलिडेट, जो कि मलिक है, जो कि तलत है, ठीक है। एक मैंने एनालिसिस किए थे कि पहले T20 में जो टारगेट इंक्लूड करके, टारगेट का एक रन इंक्लूड करके पाकिस्तान का आस्किंग स्ट्राइक रेट था 160.83, 161 रख लो, ठीक है ना, तलत का स्ट्राइक रेट 125, दूसरे वनडे में पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड 158, तलत का 134, दूसरों के लिए बर्डन कितना रह गया 170, पहले वनडे में 161 आस्किंग, तलत की इनिंग के बाद दूसरों के लिए बर्डन 174,
दीज आर द फाइन मार्जिन ना कि आप सीधे सीधे दोनों टी20 इसने कि आपने 15 से 20 पॉइंट्स स्ट्राइक रेट में बढ़वा दिए, यानी कि उसको अगर ट्रांसलेट करें तो आपने दूसरों के लिए हर ओवर में 2 से 3 रन बढ़ा दिए, 2 से 3 रन बढ़ा दिए। तो अगेन वही बात है, नथिंग अगेंस्ट तल्लत, ठीक है, इट्स द बिगेस्ट प्राइड एनी वन कैन हैव टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री एट एनी लेवल इंटरनेशनली, लेकिन 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 वही बात है ना कि आप कि टैलेंट डेफिशिएंसीज की वजह से पाकिस्तान लॉस्ट द सीरीज, ठीक है जी। पीएसएल में आपको खिलाया गया फॉर दैट एक या दो ओवर आप जॉब कराते हो, लेकिन अब कॉलिंगवुड तो नहीं होना। हाँ कॉलिंगवुड, देख मैं एक बात जानता हूँ, चलो आप टैलेंट की बात करो, टैलेंट भी यही है, लेकिन ये जो दोनों टी20 थे ये इससे बेहतर मैनेज हो सकते थे इजीली, इसी स्किल के साथ, इसी स्किल के साथ। पहले टी20 में पता लग गया कि यार हुसैन से नहीं हो पा रहा, ये जो तुमने मेहनत की है ना स्ट्राइक रेट्स निकाले हैं ये निकाले, मैं आपको शर्तियां बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान टीम के साथ जो एनालिस्ट है ना वो ये करता ही है, उसको पता ही नहीं होगा कि इस तरह मैच वो किया खराब। अरे नहीं, आई थिंक के अब तो I presume के डेटा एनालिस्ट तो हर टीम होता है, मजर अर्शद पाकिस्तानी टीम क्रिकेट बोर्ड के साथ लिंक नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के तहत लिखता है, क्योंकि यार ये तो बड़ी एक एलिमेंट्री सी बात है कि हर टीम का नहीं यार पाकिस्तान का होगा है, भाई एनालिस्ट है और वो हर बॉल को हर एंगल को एनालाइज कर रहे होंगे। मैं आपको शर्तियां बता रहा हूं कि उसने ये चीज बताई ही नहीं होगी, कहने की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड जा रहे हैं, लेकिन PSL का जो सोशल मीडिया को हेड करते हैं कराची खटमल अहमद नकवी, हाँ वो फर्स्ट में था, अभी मेरे ख्याल में अब वो नहीं है, और क्योंकि क्योंकि आई बिलीव के हसन चीमा एंड रेस्ट ऑफ हिज कॉमरेड्स दे डू ऑल द एनालिसिस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और क्योंकि यार ये तो एक बड़ी एलिमेंट्री सी बात है कि दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, क्यों, क्योंकि यार ये बात देख लेना कि ये प्लेयर जो है पहले 20 ओवर में इस सॉर्ट ऑफ बॉलिंग के अगेंस्ट इसका क्या रिएक्शन रहता है या इसका क्या बॉडी रिएक्शन रहता है, क्यों, क्योंकि एक फियर दिमाग में तो होता है। आपने देखा कि हफीज ऑलरेडी फ्रीज था जब एक बिल्कुल डाउन द हिल स्टेन बॉलिंग कराने आया, स्टेन को रिप अपार्ट कर दिया ना, स्टेन के साथ वही किया बाबर आजम ने जो एलन डोनाल्ड के साथ स्टेफन फ्लेमिंग ने किया था, याद है वो क्वार्टर फाइनल 2003 का वर्ल्ड कप जो रेन वो भी डकवर्ड लुईस सिस्टम के थ्रू न्यूजीलैंड जीत गया था, क्या रिमार्केबल इनिंग खेली थी स्टेफन फ्लेमिंग ने यार, 130 रन, उसमें ग्रैम स्मिथ मेरे ख्याल में किसी इंजर्ड गैरी क्रिस्टन वगैरह की जगह आया था, 100 किया था उस मैच में ग्रैम स्मिथ ने, क्योंकि 2003 के वर्ल्ड कप की बात है ना ये, अगेन वगैरह ने फिर रन किए थे फ्लेमिंग और एस्टेल ने। तुम्हारी बात से मुझे क्या याद आया कि अगेन टू मच एनालिसिस गारंटी नहीं है कि वो आपको ना इंग्लैंड से ज्यादा एनालिसिस कोई करता होगा, इंग्लैंड से ज्यादा तो क्यों, वो बताते हैं ना उनके मीडिया वाले कि जितने 15 प्लेयर जाते हैं तो 20 उनके स्टाफ जाता है सपोर्ट उनकी। मुझे एक पुरानी बात याद है, ये मेरे ख्याल से जॉर्ज डोबेल का आर्टिकल था जब इंग्लैंड नंबर वन हो गया था स्ट्रॉस की कैप्टनसी में, स्ट्रॉस वाज अ रिमार्केबल कैप्टन यार, वॉन वाज अ फंकी कैप्टन मच लाइक क्लार्क और ऑल टाइम फेवरेट्स, लेकिन स्ट्रॉस था। अब देखो ना स्ट्रॉस कैसे, स्ट्रॉस कहता है यार मुझे नहीं फर्क पड़ता कि केपी मुझे पसंद करता है, आधी दुनिया मुझे पसंद करती है, आई एम हेयर टू डू अ जॉब एंड आई डू द जॉब जस्ट लाइक जॉन राइट, पीछे रह के काम करना है, ग्रेट चैपल। ये चीज मिकी आर्थर को बात समझ में नहीं आ रही ना कि भाई आपका काम है आप पीछे रह के खासतौर से एशिया में काम करो, खासतौर से एशिया में उमर अकमल से प्रॉब्लम है आपको वहां से, आपको 32 से ऊपर के प्लेयरों से प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमें हेल्प नहीं कर रही ना वो, आप जिन प्लेयरों को खिला रहे हो या जिनको सपोर्ट कर रहे हो उनसे हमारा काम बन नहीं रहा। आपने इमाम को हुसैन तलत को खिलाया, 3 नंबर पे पहले में बैटिंग करा दी, उसने कुछ नहीं किया, आपने सेकंड में फिर भेज दिया, क्लियर एविडेंस है कि जो एनालिसिस तुमने किए हैं उसने नहीं किए, कहने की बात ये कि पता ही नहीं है कि हुआ क्या। सरोश यही प्लेयर है 2015 के वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्थर ने आ गया था ना बांग्लादेश चला गया था, जब बांग्लादेश टीम पहुंच गई थी, आई रिमेंबर आई वॉज इन UAE एंड दीज नॉट दीज द बंगाली सपोर्टर्स वर सो ओवर द मून, क्योंकि UAE में पिछले 25 साल से वो पाकिस्तानी और इंडियंस के हाथों क्रिकेटिंग लेवल पे जलील हो रहे हैं और मजाक उड़ता ना, मतलब उनकी बात ही नहीं हो पा रही कि यार क्रिकेट की बात तब करेंगे जब कोई एक आध मैच जीत लो। अब 4-0 है अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है उसमें भी मैनी फैक्टर्स हैं कि 2015 में क्या सिलसिला था और पाकिस्तान ने गलती क्या की, एक्सपेरिमेंटल टीम भेज दी, एक्सपेरिमेंटल टीम भेज दी, कप्तान अजहर को बना के भेज दिया, बहुत सारी चीजें थी उसमें, तो खैर
उसमें अब एब्स एंड फ्लोस से गुजरते हुए हम अब यहाँ आ गए हैं, अब यही है, we have to make do with these people ना। और ये जो वो थी ट्विटर पे हर बंदा ये बोल रहा है बाबर आउट हो तो हुसैन को भेजो, बाबर खेल रहा है तो आप आसिफ या शोएब खुद आए, मतलब कितना मुश्किल काम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं, एलिमेंट्री चीज है। मैं शर्ती बता रहा हूँ मैच के बाद तू क्या बोलता होगा, यार आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, एक छक्का लग जाता ना हम मैच जीत जाते, 19 ओवर में पीछे क्या हुआ है उसने वो एनालिसिस नहीं किया, ठीक है उसने आखिरी ओवर में आके वो कर दी और वो सेट हो गया, उसने कहा एक छक्का कम लगा, अगले मैच में एक छक्का मार दियो ताकि हम लोग ओवर दो। क्रिकेट प्लेयर्स यही कहते हैं ना कि यार ये अपने ड्राइंग रूम में हर बंदा बैठ के क्रिकेट एनालिस्ट बन जाता है, और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन बात यहीं पर आ जाती है ना कि अगर हम उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करें, उन्होंने ये किया कि ठीक है हफीज़ नहीं है तो बड़ी सिचुएशन है, तलत को मौका दिया जाए, जैसे कि आप एक एक समंदर में आप उतार देते हैं ना एक कश्ती को कि यार या तो सेल कर जाएगी या डूब जाएगी, ठीक है तो वो बेचारा डूब गया, तो कि आप कि कह रहे थे कि यार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एक एक्सपेरिमेंटल टीम के अगेंस्ट अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो इट विल बॉड वेल फॉर इस फ्यूचर, लेकिन खुल के सारी टैलेंट डेफिशिएंसी सामने आ गई ना कि टैलेंट बेशक इमाम जितना ही है लेकिन ग्रेट इमाम से कम है। इस ये जो हमारा टैलेंट पूल है इस टूर पे 100% इससे बेटर रिजल्ट हमारे हो सकते थे अगर कोच हमारा बेटर होता, उसको पता होता कि यार मुझे किस टाइम पे किसको इस्तेमाल करना है किस टाइम पे। मैं बोलता हूँ यार सरफराज को कुछ नहीं आता, कप्तान को कुछ नहीं आता, लेकिन आप तो बैठे हो ना बाहर, मियां राज बोर्ड लगाकर बैठ जाता था कि भाई ये करना है इतने रन बनाने हैं या इतनी बॉल है करनी है इतनी खेलनी है बॉल, इतने रुक जाओ बस यहाँ तक, इशारे कर रहा है कुछ भी हो आपका काम है आप प्लेयर से टॉप परफॉर्मेंस के 50 ओवर वर्ल्ड कप तक तो नोबडी इज गोइंग एनीवेयर 2019 वर्ल्ड कप। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड द ओनली रियल कार्लिटो अलाइव? कुछ नहीं, मैंने तो वो तुमने जो मेंशन किया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो कोई ट्वीट उसने किया है। मेरा इत्तेफाक की बात है, अभी ये पिछले कुछ 3-4 दिनों से T20 तो ट्विटर फीड इतनी भरी हुई है मतलब कि मैं 10-15 मिनट के लिए भी जाता हूँ तो 200, 250, 160 क्या बात है क्या बात है, कसम से इतने वो हुए तो मुझे मैंने देखा भी नहीं था, और उसका जो अपोलॉजी वाला ट्वीट था वो भी नहीं देखा था अभी कि वो मुझे कोई वो मुझे पता भी है और बाद में भी मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी दिमाग वो होता है भूल जाता हूं तो उसका भी दिमाग कहीं और। द थिंग इज दैट I have seen that not many people like Carlito because he is a straight shooter, but he's a fantastic dude in that aspect because he is much like that Dennis for Pakistanis, or maybe on the following level he is much lesser than the said Dennis. Dennis is a social media celebrity in Pakistan. I mean, and his documentary I believe he will release it before the World Cup, but. Carlito is a really nice dude, but मेरी कोई ज्यादा इंटरेक्शन कोई वो मुझे कोई फर्क नहीं। मैं तुझे बता रहा जैसे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मेरी ट्विटर वो हो रही है फीड्स, मतलब हॉट फीड चल रहे हो, बहुत हॉट फीड्स, हॉट फर्स्ट चल रहे हो, हॉट फर्स्ट। अभी तुम्हें रिकॉर्डिंग के बाद दिखाता हूँ ना, मतलब ऐसे वो भरे और खैर कोई कुछ कहता भी है तो यार वो मतलब उसका अपना फाल्के साहब के लिए क्या पैगाम है आगे बात में यही कर रहा था। और कहते थे मैंने आप अमजद भाई से मिले हैं यार फाल्की साहब से मिला और इनफैक्ट सफवान वाज अ रियली नाइस डूड और फैन उसका मैंने और उसने बड़ी तफरी की। इट वाज रियली गुड फन, आई मीन हम लोग वी हैड अ कॉफी और फिर हम बैठे थे वहां पर चाशनी में फाल्की साहब के साथ और फिर क्रिकेट की एक बात से दूसरी बात और फिर आई मीन अगर इन्होंने मुझे कहा कि तुम एक दो दिन अगर और इधर हो तो फिर मिसबा साहब से भी क्योंकि हर दूसरे दिन मुलाकातें तो रहती हैं तो मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात यकीनन होगी और फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। हाँ अमजद भाई तो भाई ग्रेट आदमी है वो।